ये हमारा चल रहा है जी, रोष की कहानी चल रही है इस वक्त। प्रताप ही लगे हुए फुल दबा के, देख रहे हैं आप, बख्शते नहीं है ये। यहाँ के ऐसा लगता है कि जैसे बंदा जो है वो बलूचिस्तान में आ गया हो। अस्सलामुअलैकुम, खैरियत से जी, ठीक ठाक हैं जनाब। नए व्लॉग में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ भाई। हसब मामूल भाई सुबह उठ गए, नाश्ता वाश्ता किया, नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो है अभी जा रहे हैं ऑफिस। तो ऑफिस के बाद फिर निकलते हैं, आपको बताते हैं अच्छा क्या सीन है। अच्छा भाई जनाब, ऑफिस से वापस आ गए जी, और अचानक आप देखें बाइक पर आ गए हुए ताऊ भाई के साथ। और कहानी है कि अभी हमने अचानक प्लान किया है कि हम एक ब्लॉग करेंगे, और ब्लॉग जो है वो कटी पहाड़ी के पास है ना, एक रेस्टोरेंट है, देसी रेस्टोरेंट होता है ना वो है, वहाँ पर जो है ना रोस्ट देते हैं वो। अब वो रोस्ट जाके ट्राई करते हैं, पहले भी हम लोग कर चुके हैं लेकिन ब्लॉग में इसका पहली दफ़ा बना रहा हूँ। तो अभी वहीं जा रहे हैं, तो वहीं जाके मुलाकात होती है आप लोगों से। ये है जनाब मशहूर जमाना कटी पहाड़ी, ये आपको मैं दिखाता हूँ, वाजे तौर पे आपको नजर आ रहा होगा, कराची की मशहूर तरीन कटी पहाड़ी। ये ऊपर देख रहे हैं चौकियां बनी हुई है, रेंजर्स की चौकी है वो। एक जमाने में बदमनी बहुत ज्यादा थी कराची में, तो ये चौकी बना दी गई थी। खैर ये है जनाब, यहाँ के ऐसा लगता है कि जैसे बंदा जो है वो बलूचिस्तान में आ गया हो। ये देखिए ये पहाड़ी सिलसिले। अच्छा, कभी कभी यहाँ से अक्सर देखे ना, ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा, ये पत्थर भी गिरा हुआ है, ये लैंडस्लाइडिंग हो जाती है बारिशों में, ये पत्थर गिरा हुआ है, ये नीचे सड़क बहुत ही पतली हुई हुई है। यहाँ भी ऐसी सूरत हाल है। अच्छा भाई, सीन ये चल रहा है कि ये माशाल्लाह शनवारी है कटी पहाड़ी पे, तो यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये हमारा चल रहा है जी, रोष की कहानी चल रही है इस वक्त। प्रताप ही लगे हुए फुल दबा के, देख रहे हैं आप, बख्शते नहीं है ये, खाने को छोड़ते नहीं है, जहाँ भी आते हैं ना पूरा निपटाते हैं उसको। और ये कंदारी नान के साथ जो है ना, ये मज़ा आ रहा है ज़बरदस्त। ये कंदारी नान है, रोष भी देखें आप, रोश की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, काफ़ी गला हुआ है। भाई रोश वोश जो है वो ख़त्म कर दिया हमने, और उसके बाद चाय आ गई थी, ये चाय भी हमने पी ली है। और चाय ज़रा मैंने जल्दी पी ली है, तावे ज़रा ठंडी करके पीते हैं, तो अभी ये चल रहा है। भाई सीन ये है कि व्लॉग हमारा हो गया मुकम्मल, ताऊ भाई को हमने कर दिया रवाना, और रात ढल गई है, रात हो गई है जी, दिन जो है वो ढल गया, रात हो गई है, और अभी यहाँ बैठे हैं कैफे अलमरान पे। ये हमारे दोस्त हैं नासिर साहब, ये हम बैठे हैं भाई। अरे नासिर साहब जो है ना, वो बड़े अच्छे गुलकार भी हैं, क्यों नासिर भाई? तो सौर ज़्यादा किए हुए बैठे हुए बहुत अच्छे गुलकार भी हैं और राइटर भी हैं, बहुत मालूम है। तो अभी ज़रा हम इनके साथ चाय शाय पी रहे हैं, अभी ऑर्डर किया है वहाँ पे, तो चाय भी आ जाए। तो बस आज तक का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।